बीते दिन गिप्पी गरेवाल के कनेडा स्थित बंगले के फायरिंग हुई सी। उस तो बाद लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक एवी उत्ते पोस्ट पाई जाती है, जिम्मेवारी ले ली जाती है। तो अज खबर सामने आई है कि एली मांगट मारन तैयारियां चल रही सी। एक गैंग्स अर्श डल्ला वालों अपने गुरगे भी भेजे जाते हैं एली मांगट मारन के लिए, पर यह उस समय उन्होंने निराशा का सामना करना पैंदा है जो दिल्ली पुलिस इन्हों नाकाम कर देती है इन्हों के मनसूबे से। तो दस दिने कि बीते दिन जिहड़ी है दिल्ली पुलिस अर्श डाला के जिहड़े गुरगे ने उन्होंने विचकार मुठभेड़ होंदी है। तो इस मुठभेड़ के दौरान दो गुरगे जिहड़े ने जख्मी हो जाते हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस वालों हस्पताल भी दाखिल करवाया जाता है। उत्थे तो गल निकल के सामने आती है कि अर्श डाला जिहड़े है अर्श डाला वालों इन्हों भेजा गया सीगा। उस तो बाद इन्हों का निशाना सीगा गायक एली मांगट, उसको मारन दियां तैयारियां चल रही सीगा, मारन की फिराक के विच सन। पर दिल्ली पुलिस वालों इन्हों मौके उत्ते ही नाकाम कर दिता जाता है। इस दौरान दो गुरगे जिहड़े ने एली गैंगस्टर अर्श डाला दे वह पुलिस की गिरफ्त के चढ़ जाने। तो दस दें कि पूरा घटनाक्रम जिहड़ा है दिल्ली के मयूर विहार इलाके के अंदर होंदा है, जदों दिल्ली पुलिस जिहड़ी है अपनी नाकाबंदी से खड़ी होंदी है। तो उस समय मोटरसाइकिल उत्ते सवार दो गुरगे उत्थे तो लंघन की कोशिश करते हैं, पर पुलिस ने जो दिल्ली पुलिस को इन्हों उत्ते शक पैंदा है, इन्हों नूं रुकन दे लई कहा जांदा है, पर इन्हों वालों सीधा मोटरसाइकिल नूं भजा लिया जांदा है। तो उस तो बाद शक दे घेरे दे विच किते ना किते मुड़ तो दिल्ली पुलिस दे आ जांदे ने। ते दिल्ली पुलिस जदों पिछा करदी है इन्हां दा तां उस समय इन्हां गैंगस्टरां वालों जिहड़ा है फायरिंग शुरू कर दी जाती है, जिस तो बाद दिल्ली पुलिस वालों भी जवाबी कार्रवाई की जाती है, जिस दौरान अर्श डाला के जिहड़े दो गुरगे ने वह जख्मी हो जाते हैं। तो उस तो बाद पुलिस वालों इन्हों हस्पताल भी दाखिल करवा दिता जाता है। तो दस दें कि जिहड़े दो गुरगे पुलिस के अड़िके चढ़े ने यह पंजाब के किसी मामले के पैरोल से सन, तो उस समय ही यह फरार चले आ रहे थे। तो हुण इन्हों का उस समय खुलासा होंदा है जो ये गायक एली मांगट को मारन की तैयारियों के सन, पर उस समय दिल्ली पुलिस दो गुरगियों के विचकार मुठभेड़ हो जाती है। तो जिस दौरान इन्हों का जो प्लैन सीगा वो बिल्कुल ही तरह फेल हो जाता है। तो हुण जिते एक पासे दो गुरगे जिहड़े ने पुलिस के गिरफ्त के होर भी वड्डे खुलासे हो सकते हैं। तो यह भी दसया जा रहा है कि गायक एली मांगट उत्ते अक्टूबर महीने के जड़ा है हमला करने की कोशिश की जाती है। तो उस समय जिहड़ा एली मांगट है वह अपने घर के मौजूद नहीं होंदा, जिस करके एली मांगट की जिहड़ी है जान बच जाती है। तो वड्डा सवाल खड़ा यह हो रहा है कि पंजाबी गायक जिहड़ी सानू इन्ने पंजाब अपने पंजाबी इंडस्ट्री में इन्ने गाने देंदे ने, उन्हां दा ये हाल है, उन्हां नूं धमकियां मिलदियां ने अते जानू मारन तक दी जिहड़ी है नौबत आ जांदी है। तां किधर नूं साडा जिहड़ा पंजाब जा रहा है, कानून व्यवस्था लगातार सरकारां वल्लों भी कहा जांदा है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ही सही है, पर जदों अजिहियां खबरां आउंदियां ने उस समय जरूर कानून व्यवस्था उत्ते सवाल खड़े हुंदे ने कि पंजाब दी कानून व्यवस्था किधर नूं जा रही है। तो दसिया जा रहा है कि अक्टूबर महीने के भी एली मांगट नूं टारगेट करने की कोशिश की गई सी, पर एली मांगट जिहड़ा सी घर दे विच मौजूद नहीं सी, जिस करके उसकी जान बच गई है। तो दस दें कि यह भी जो सूत्र यह भी दस रहे ने कि जिहड़ा एक गुरगा सीगा वह फिरोजपुर का रहण वाला दसिया जा रहा है, और नाम उहदा राजप्रीत सिंह राजा दसिया जा रहा है, और दूजा जो शूटर है वरिंदर सिंह विमी दसिया जा रहा है जो कि बठिंडे का वसनीक है। ये भी दसिया जा रहा है कि जनवरी 2023 के परमजीत मर्डर केस के राजप्रीत सिंह राजा वॉन्टेड सीगा, तो उस तो बाद वरिंदर जिहड़ा सीगा मोर मंडी च फायरिंग केस च पुलिस इसनू तलाश कर रही थी, पुलिस इसकी तलाश के विच सीगे। तो हुण जदों नाके दौरान दोनों की मुठभेड़ होंदी है पुलिस अते अर्श डाला के दो गुरगियां दे विचाल, तो उस समय
ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਇਕ ਐਲੀ ਮਾਂਗਰ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੁਰਗੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦੇ ਜੋ ਦੋ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਬੀ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਗਾਇਕ ਐਲੀ ਮਾਂਗਰ।